अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था, इंडिया की टेस्ट टीम जो है वो मेरी फेवरेट टीम है, और आज उसने साबित कर दिया। जिस तरह से इंडिया ने इंग्लैंड को हराया है, इससे साबित होता है कि इंडिया की टेस्ट टीम नंबर वन टेस्ट टीम है, और एक एशियन कंट्री को ही टेस्ट चैम्पियनशिप जीतनी चाहिए। जिस तरह से इंडिया ने बॉलिंग की है, वाहे तोबा मेरी तोबा, ऐसी बॉलिंग मैंने आज तक नहीं देखी। इतनी जल्दी आउट कर दिया, फिर ऊपर से जब एक सिचुएशन ऐसी भी आई थी 145 पे इंडिया आउट हो गया, उस वक्त टेंशन हो रही थी, लेकिन जिस तरह से दोबारा से सेकंड इनिंग्स में अक्षर पटेल और अश्विन ने बॉलिंग की है, मुझे तो बस केविन पीटरसन को ढूंढना है। वो किधर है जनाब, जो कह रहे थे कि इंडिया को बी टीम से इंग्लैंड की जीतने में मुबारकबाद। भाई तुम्हारी जो टीम खेल रही थी वो तो ई टीम भी नहीं थी, एफ टीम भी नहीं थी। जो जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे हैं, उनको तो पल्ले नहीं पड़ रहा बॉल। सुपर बॉलिंग, सुपर मैच प्लानिंग बाई इंडिया, ज़बरदस्त विन। और रही बात जो रूट जैसा बॉलर 6 विकेट्स ले रहा है, तो इस सिचुएशन में इंग्लैंड को सोचना चाहिए था कि उनको ज़्यादा स्पिनर्स के साथ जाना चाहिए था। मोइन अली उनके चले गए थे वापस, फिर भी उनको स्पिनर्स पे फोकस करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया, उन्होंने फास्ट बॉलर पे रिलाई किया। और आज देख सकते हैं किस तरह, कितनी बुरी तरह हारी है। मैंने नहीं सोचा था कि इंग्लैंड जैसी टीम, इतनी अच्छी टीम, इतनी बुरी तरह हार सकती है, लेकिन हार गई। और इसका क्रेडिट जाता है पूरी इंडियन टीम को। इंडिया की टीम जब से ऑस्ट्रेलिया से सीरीज जीत कर आ रही है, जिस तरह से उन्होंने वो टेस्ट मैच में रन चेस किए थे, ये टीम बिल्कुल डिफरेंट टीम है। बैटिंग थोड़ी सी इस वक्त इनकी लड़खड़ाई हुई थी, लेकिन बॉलिंग ने सारा कवर कर दिया था। पिच इतनी खतरनाक थी, जिस तरह से बॉल टर्न हो रहा था, ओह माय गॉड, मैंने नहीं ऐसा देखा टेस्ट मैच अपनी हिस्ट्री में कि जो 2 दिन भी पूरे नहीं हुए और टेस्ट मैच ख़त्म हो गया। यार मतलब क्या कर लेते हो इंडिया वालों, कैसे कर लेते हो आप, कितना और दीवाना करोगे अपना। आपकी टेस्ट टीम तो बहुत हैवी हो चुकी हुई है, इसका तो कोई मुकाबला बनता ही नहीं है। मेरी दिली ख्वाहिश है कि आप जीतें ये चैम्पियनशिप, टेस्ट चैम्पियनशिप, और एक एशियन कंट्री इस ट्रॉफी को लिफ्ट करे और एशिया के अंदर लेकर आए, ताकि गौरव को पता चले कि एशियन किसी से कम नहीं है। इंशाल्लाह आगे भी आप अगला टेस्ट मैच भी जीतेंगे और क्वालिफाई पूरी तरह से कर जाएंगे टेस्ट चैम्पियनशिप के लिए, और फाइनल खेलेंगे और जीतेंगे। थैंक यू सो मच।